न्यूयॉर्क से खबर शामिल करते हैं, जहां पर पाकिस्तान के दारुलहकूमत इस्लामाबाद के अमरीकी सफारत खाने ने इंटरव्यू में नरमी की सहूलत में तस्दीक कर दी है। अमरीकी एम्बेसी इस्लामाबाद और अमरीकी कौंसलेट जनरल कराची ऐसे पाकिस्तानी शहरी जिनकी उम्र 45 साल या उससे ज्यादा है और जिनके B1 B2 वीजे दुरुस्त हैं और जिनकी मियाद गुजश्ता 48 महीनों में खत्म हो चुकी है, वो वीजों की तजदीद करा रही हैं। एक प्रेस रिलीज में अमरीकी सफारत खाने इस्लामाबाद का कहना है कि ये बेहतर कस्टमर सर्विस फ्राहम करने और अहले पाकिस्तानी शहरियों के लिए सियाहती और कारोबारी वीजों की तजदीद को ज्यादा मौसर तरीके से करने के लिए एक तरीका कार में तब्दीली है। जरूरत के मुताबिक अमरीकी कानून अहल वीजा रखने वालों को अमरीका में दाखिल होने की इजाजत देता है, ताहम सफारत खाने में अपनी दरख्वास्त जमा कराने के बाद बाज दरख्वास्त गुजारों को इंटरव्यू के लिए अमरीकन एम्बेसी इस्लामाबाद या कराची कौंसलेट जनरल में इंटरव्यू के लिए पेश होने के लिए कहा जा सकता है।